हेलो गाइस, दिस इज श्रेया और मैं आज जा रही हूँ बैंगलोर से हिमाचल प्रदेश थ्रू एरोप्लेन। तो अब मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट के पास, फाइनली इनटू बैंगलोर एयरपोर्ट। सी गाइस, कितना सुंदर है। लेट्स गो इनसाइड। एंड गेस गाइस, कितना सुंदर एयरपोर्ट है बैंगलोर टर्मिनल 2। एंड अब आप सब कुछ छोड़ो, ये ट्रांजिशन देखो। जैसे ही मैं एंटर हुई, ऐसे एकदम से लगा किसी बड़े से पैलेस में आ गई हूँ। तो 3 घंटे के लिए मेरे को बाहर ही बैठना पड़ेगा, रीज़न बीइंग कि मेरी फ़्लाइट है 5:50 की और काउंटर सिर्फ 3 आवर्स पहले खुलते हैं। अब भूख तो लग गई थी तो सोचा क्या खाऊं, एक ही दुकान मिली बाहर। और फिर वहां पे जब अंदर एंटर हुई तो मैंने फिर लिया एक वड़ा और एक पाव। एंड नाउ यू गाइस गेस इट, कितने का होगा ये? एंड 1, 2, 3, तो ये था 200 रुपीज़ का मुझे पड़ा एक वड़ा और एक पाव। 2 बज गए हैं और अभी मेरी फ़्लाइट का नंबर नहीं आ रहा, प्रोबेबली 10 या 15 मिनट में आने वाला है, तो इस बोर्ड पे हम चेक कर रहे हैं। एंड अब मैं निकल गई अपने अंदर चेक इन करने के लिए। सबसे पहले मैंने सेल्फ चेक इन किया, फिर अपना लगेज भी दे दिया और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ गेट के पास। 2 बज चुके हैं रात के, एयरपोर्ट फिर भी चहचहा रहा है। एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। एंड गाइस गाइस, कितना सुंदर है ये, ऐसा लग रहा है कहीं घूमने आ रखी हूँ। अब मेरे को अपना ये जितना भी सामान था, लैपटॉप वगैरह, स्कैनिंग के लिए देना था। सी, मेरे बैग पे वाटरफॉल है। और अब जब ये सब हो गया तो मैं फाइनली एंटर हो गई अंदर। और अब मुझे अपना गेट ढूंढना था जहाँ से मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ करनी थी। तो फिर आप देखो, ये अंदर घुसी तो भाई वो कांच से बाहर की दुकानें थी और रात के बज रहे थे 3 और लोग सारे देखो बिल्कुल सो रखे हैं। एंड फिर मैं फाइनली अब जो मेरा गेट था जहाँ से मेरे को फ़्लाइट लेनी थी, मैं वहाँ पर पहुँच गई। और अभी भी गेस व्हाट, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है बैंगलोर एयरपोर्ट में। अब फिर फाइनली टाइम हो गया फ़्लाइट का, 5:50 हो गए, तो हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की। और लाइन में लग गए, अब क्यू में लग गए हैं। अब 1 by 1 हम सब अपना बोर्डिंग पास दिखा रहे थे और फिर हम जो हमारा जो गेट था वहाँ से हम फाइनली पहुँच गए हमारी फ़्लाइट के अंदर। एंड सी वॉट, कितना मस्त था। और मैंने फ्लाई विंडो सीट करा रखी थी क्योंकि मुझे लेना था फुल बाहर का व्यू का एन्जॉयमेंट। तो आप जस्ट थोड़ा सा वेट करो, आई शो यू कैसा है। तो बिफोर दैट, एयर होस्टेस हमें गाइडलाइंस दे रही थी इन केस ऑफ एमरजेंसी, हमें कैसे सिचुएशन डील करनी है, कैसे ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा, कैसे वी हैव टू टेक केयर ऑफ आर सेल्फ। एंड नाउ जस्ट एन्जॉय द टेक ऑफ, आप लोग भी विटनेस करोगे। अर्ली मॉर्निंग टेक ऑफ किया मैंने फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली। अब मैं जा रही हूँ बैंगलोर से दिल्ली। तो सी गाइस, कितना सुंदर अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट उड़ रही है, हम भी पंछी बन के उड़ रहे हैं। 1, 2, 3, ईपी, हम फाइनली पहुँच गए हैं बादलों में। एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी हमें सर्व हो गया, तो आप देख सकते हो बिल्कुल बादलों के बीच में हमने खाना खाया सुंदर से नज़ारे देखते हुए। तो ये सब मिला था हमें, वड़ा और साथ में कुछ और भी चीज़ें थी। एंड फिर यही सब व्यू का एंजॉय करते करते, और फिर मैंने ब्रेकफास्ट जब ख़त्म किया तो हमें टी और कॉफ़ी सर्व हो गई, तो मैंने कॉफ़ी ली। और उसके पीने के बाद मैंने देखा कि यार थोड़ा सा तो एंजॉयमेंट बाहर के व्यू का भी लेते हैं, और उतने में ही दिल्ली भी आ गया। अब फाइनली वी हैव रीच टू दिल्ली। सो फाइनली आई हैव रीच माई डेस्टिनेशन दिल्ली, और अब यहाँ से मेरी फ़्लाइट है 11:20 की। अभी बज रहे हैं 8:30 और अब मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इफ़ यू गाइज़ आर कन्फ्यूज़ कि ट्रांसफ़र क्या होता है, तो जैसे कि मेरी जो फ़्लाइट थी वो पहले बैंगलोर से दिल्ली थी, फिर दिल्ली से अमृतसर की थी, तो ये जो बीच का जो इंटरवल, इसमें मेरी फ़्लाइट चेंज होनी थी, तो इसी को हम ट्रांसफ़र बोलते हैं और होल्ट भी बोलते हैं। तो इसमें मुझे दोबारा से अपनी, मेरे को दोबारा से अपना गेट चेक करना होता है कि कहाँ से मेरे को फ़्लाइट लेनी है। तो मैं उसी गेट के पास जा रही थी और फिर दोबारा से मुझे अपना जितना भी सामान, लैपटॉप और बैग वगैरह जो भी मेरे पास, जो मैं कैरी करी थी, वो सारा स्कैनिंग कराई और फिर मैं फ़ाइनली एंटर होगी दिल्ली के एयरपोर्ट में। एंड गाइज़ यू नो वॉट, ये तो पूरा मॉल ही लगता है, इतनी ज़्यादा शॉप्स, यू विल इमेजिन, इतना खाने के ऑप्शंस थे, इतना शॉपिंग करने के ऑप्शन थे, इंक्लूडिंग स्मोकिंग एरियाज़ भी था कुछ लोगों के लिए, एंड लॉन्च भी थे, बट इतना टाइम था नहीं कि मैं जा पाऊँ। सो मैं बड़ी सीधा गेट की ओर, क्योंकि इतना तो भाई आप, यू वॉन्ट इमेजिन, 30 से 1 घंटा लग जाता है जस्ट यू हैव टू रीच। एंड फाइनली मैं अपनी फ़्लाइट के अंदर बैठ गई
एंड अब मैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन अमृतसर पहुंचने वाली हूं। तो फिर मैंने फ़्लाइट में इंजॉय करी मूवीज़ और मूवी देखी और फिर मस्त खाया पिया, क्योंकि और फिर मैंने देखा कि यार इसकी सीट भी बहुत मस्त है, मज़ेदार है सेंटर वाली, और उसको मैंने एडजस्ट करा। और फिर खाने में मुझे मिला ये जूस और साथ में काइंड ऑफ बन, दैट वाज टेस्टी नो डाउट। एंड फिर मैं पहुंच गई अमृतसर और वहां पे मम्मी मेरे को लेने आ रखी थी और फिर यहां से हमें जाना था हिमाचल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। आई होप आप सबको मेरी जर्नी अच्छी लगी हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।